Hi guys, namaste. Welcome back to my channel and I am Suman. पीरियड्स के आसपास आती हम सबको लगता है कि चॉकलेट क्रेविंग, चॉकलेट ब्राउनी खाते हैं, चॉकलेट की पुडिंग खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं या कुछ भी मीठा हमको मिल जाए हमें वो सेटिस्फाई कर देता है। बट पॉइंट इज कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि यार जब खाना ही है तो कुछ अच्छा सा हेल्दी सा घर पर बना के खा लें क्यों। मेरा जो है बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग रहती है मुझे बहुत ज़्यादा, और ये नहीं ड्यूरिंग मंथली साइकिल्स, मुझे हमेशा ही मीठे की क्रेविंग रहती है। आई एम अ बिग डेजर्ट वाला बंदा और मुझे बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ और पेस्ट्रीज और पुडिंग्स और तिरेमेसू मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। इफ़ यू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम आपको पता होगा मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती हूँ। कहीं पर भी जाती हूँ मैं सबसे पहले मीठा ऑर्डर करती हूँ, उसके बाद मेरा खाना चालू होता है। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरी टॉप बेस्ट किनुआ चॉकलेट पुडिंग। इतनी यमी है आपकी पूरी चॉकलेट की क्रेविंग को ख़त्म कर देगी, आपको बिल्कुल अच्छे से सेटिस्फाई करेगी, आपके फ्लो जो है उसको अच्छा करेगी पीरियड्स का। एंड पीरियड्स में जो भी हम जंक वंक खा लेते हैं ना, चॉकलेट खा लेंगे, ये खा लेंगे, वो खा लेंगे, मत खाना, ये खा के देखो बहुत मज़ा आएगा। सो चलते हैं किचन में और बनाते हैं। चलिए जी, अब हम बनाने जा रहे हैं किनुआ चॉकलेट पुडिंग। यहाँ पे मेरे पास है किनुआ, ये रहा साबत किनुआ, इसको अब मैं डाल दी ब्लेंडर में। थोड़ा सा इसको पीसेंगे जस्ट 5 से 6 सेकंड के लिए, बिल्कुल चूरा नहीं करना, पाउडर नहीं बनाना, ना इसको खड़ा खड़ा रखना है, बट इससे हमें पिसी हुई चीज़ चाहिए, ठीक है। सो अब हम इसे पीसते हैं, बस इतना ही हमें इसे ग्राइंड करना था। चलिए जी, सो अब हम शुरू करते हैं हमारी पुडिंग का। ये देखो, ये इस तरीके से चाहिए मुझे, ये डाल दिया मैंने यहाँ पर, परफेक्ट। ये मैंने 2 टेबलस्पून जितना किनुआ लिया है, 2 टेबलस्पून जितना किनुआ। अच्छा, नेक्स्ट इज इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा बिना चीनी का मींस अनस्वीटन कोको पाउडर। कितने चम्मच? 1 चम्मच 2 चम्मच। नेक्स्ट इज इट्स योर चॉइस, बट मैं डालूंगी यहाँ पर, मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। ये रहा, बहुत ही अच्छी बनने वाली है ये तो। नेक्स्ट इज इसके अंदर मैं डाल रही हूँ खांड, देसी खांड, ये रही जी। कितने चम्मच? योर टेस्ट यार, मैं 1 से 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, मुझे तो मीठा चाहिए। अच्छे से सबको हम मिक्स करेंगे। अब हम इसे पकाने स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 कटोरी जितना पानी। थोड़ा सा पानी और परफेक्ट। और अब हम इसे कुक होने देंगे सिम आंच पर, जब तक कि पूरा पानी यहाँ पे सूख नहीं जाता अच्छे से। खुशबू बड़ी अच्छी आना चालू हो गई है, आज मज़ा आएगा, हम पुडिंग खाएंगे। एंड मेक श्योर आप चम्मच को घुमाते रहिएगा, अदरवाइज ये जल जानी है अच्छे से। ऑलराइट जी, सो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पुडिंग बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है और ये सारा पानी सोक हो चुका है। अब एंड प्रोसेस, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप दूध, बढ़िया, और इसको अब हम और पकाएंगे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए और, जब तक ये पूरा मिल्क इसके अंदर सोक नहीं हो जाता। खुशबू आ गई, बढ़िया। ऑलराइट जी, सो ये जो पुडिंग है बिल्कुल तैयार हो गई है और अब हम इसे सर्व करेंगे जी। इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़े से मेरे कैशू। ऑलराइट जी, सो दिस गॉर्जियस ब्यूटी इज एब्सोल्युटली रेडी, इसको हम खाएंगे, इंजॉय करेंगे और बाहर का जंक फूड, एक्सेस ऑफ मीठा खाना बंद करेंगे। वेलकम बैक जी, सो ये रेसिपी है, इसको आप शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन टू दी चॉकलेट लवर एंड लीव अ कमेंट इसका टेस्ट कैसा लगा। मेरे लिए तो बिग यमी है ये, और मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। सो या टिल द टाइम टेक केयर जी, बाय बाय।